आपकी सरकार न तो बेरोजगारी पर बात करती है, न महंगाई पर बात करती है, हाँ, और न तो संसाधनों पर बात करती है। तो क्या महंगाई पर क्या कहना है आपका? हर हमेशा सिलेंडर बढ़ जा रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सभी वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, क्या कहना है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां तमाम मीडिया चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं और ऐसे पत्रकार जो नेशनल मीडिया पर बैठकर दिन रात मोदी भजन करते हैं, भाजपा के लिए मीठी मीठी खबरें बनाते हैं, वैसे परिस्थिति में आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कड़े और तीखे सवाल पूछ सकता है। बावजूद इसके चंद पत्रकार बचे हुए, स्थानीय स्तर पर ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो आज भी हिम्मत रखते हैं कि सत्ताधारियों से तीखे और गंभीर सवाल पूछ सकें, और जब पूछ देते हैं तो फिर ऐसे नेता बगले भी झांकने लगते हैं। अब आफ्टर इफेक्ट जो भी हो इसके, लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि आज के परिदृश्य में कोई भी मीडिया इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता कि सत्ता से सीधे आंख में आंख डालकर सवाल कर सके, खास करके उन राज्यों में जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, और वहां एक तीखा सवाल पूछना और सरकार की गलत नीतियों पर आवाज उठाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। हर एक नेशनल मीडिया वाले उस आवाज को खामोश करते हैं जो स्थानीय स्तर पर पत्रकार उठाते तो हैं, लेकिन बात दूर तक जा नहीं पाती है। तो धन्य मनाइए कि सोशल मीडिया है जो कुछ क्लिप हमारे सामने आ जाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बगले झांकते नजर आते हैं स्थानीय पत्रकार के सवाल पर। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से ऐसे ही तीखे सवाल पूछ दिए गए एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा, और फिर उनका चेहरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का देखने लायक था, बगले झांक रहे थे और फिर बाद में खिसियानी हंसी हंसते हुए कहीं की बातों को कहीं जोड़ दिया, और अंतिम में एक लाइन महंगाई पर जो सवाल पूछा गया उसे इंटरनेशनल मुद्दा बताकर इस पर बोलने से बच गए। यानी महंगाई इंटरनेशनल मुद्दा है, सवाल भारत से जुड़ा था, मुद्दा इंटरनेशनल बना दिया गया। जरा पहले हिस्से को इस वीडियो में देखिए, इसमें पत्रकार के तीखे सवाल किस चीज को लेकर है, फिर उसके बाद इनका जवाब भी हम आपको सुनाएंगे। पहले यह हिस्सा देखिए। विधानसभा में जो बजट पास हुआ उसमें आपकी सरकार न तो बेरोजगारी पर बात करती है, न महंगाई पर बात करती है, हाँ, और न तो संसाधनों पर बात करती है, और जो क्रॉस करता है हाँ, उसको वो जेल भेजने का काम करते हैं। श्रीवास्तव जी भी बैठे, एक बार इनसे भी मेरी पीसी हुई थी। तो क्या महंगाई पर क्या कहना है आपका? हर हमेशा सिलेंडर बढ़ जा रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सभी वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, क्या कहना है? जल्दी करो। तो सुना आपने कैसे तीखे सवाल पूछे गए स्थानीय पत्रकार के द्वारा, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है, और सीधे आंखों में आंखें डालकर कोई अगर ऐसा सवाल करे तो सोचिए कि आज के परिदृश्य में पत्रकार की स्थिति क्या हो जाती है। तो फिर इस पत्रकार ने इतनी हिम्मत की, पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन इतनी हिम्मत तो है जो सीधे तौर पर सवाल खड़े करके ये कह रहे हैं कि आपसे जो कोई क्रॉस सवाल करता है आप उसे सीधे जेल में डाल देते हैं। फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी खिसियानी हंसी हंसते बगले झांकते हैं, और बारी आती है उनके जवाब देने की, और कई लोग वहां बैठे लोग जल्दी से इस पत्रकार की आवाज को खामोश करना चाहते हैं, बातों को बदलना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी को जवाब तो देना पड़ा। जवाब भी ऐसी थी कि कहीं की बातों को कहीं जोड़ दिया कि वो किस लिए सरकार में आए हैं, उनका काम बिजली को सही से वितरण करना था, उनका काम सड़कें बनानी थी, लेकिन युवाओं के रोजगार पर इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, महंगाई कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नहीं थी, ना जाने इन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, पहले इस हिस्से को आप सुन ही लीजिए। हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब संकल्प के साथ सरकार में हमें जनता ने जनादेश दिया, हम उस पर बेहतर से काम कर रहे हैं। हमने अच्छी सड़कें बनाने का हम काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हमने बिजली के वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की, हमने
इस अच्छे कानून व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं, देश के विदेश के बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। और जब निवेश आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहाँ तक आपने महंगाई की बात कही है, महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, लेकिन भारत आज की स्थिति में बहुत सुरक्षित सेफ जोन, आपको ज़्यादा चिंता करने की उसमें जरूरत नहीं। तो सुना आपने कैसे भूपेंद्र सिंह चौधरी इस सवाल के जवाब से बचते हुए मुद्दे को भटकाते नजर आए। उन्होंने कहीं का तार कहीं जोड़ा और बता दिया कि सिलेंडर बढ़ने का कारण क्या है, महंगाई क्यों है, और कोई अगर सवाल क्रॉस करता है तो उसे जेल क्यों भेज देते हैं। इन तमाम सवालों पर उनके जवाब ही अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। अब जरा सोचिए कि ठीक ऐसा ही सवाल तमाम नेशनल मीडिया वाले पूछना शुरू कर दें ऐसे तमाम नेताओं से जिनके ऊपर जनता ने भरोसा कर सत्ता की चाबी सौंपी है, क्या वो लोग इस स्थिति में होंगे कि सही से जवाब दे सके? नहीं दे पाएंगे। और सवाल विडंबना यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है, नेशनल मीडिया में ऐसी खबरें जाती ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी खबरें जाएंगी तो पता नहीं किसका कितना सैलरी कट जाए, किसकी आवाज दबाई जाए, कौन किसको ऑपरेट करता है, ये सब खुलकर सामने भी आ जाता है। अब इसी वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए निगार प्रवीण ने दो ट्वीट किए हैं, वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। निगार प्रवीण ने लिखा, आज भी स्थानीय पत्रकारों में सवाल पूछने की हिम्मत बची हुई है। देख लीजिए एक सवाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे की मुस्कुराहट कैसे परेशानी में बदल गई। महंगाई, सिलेंडर के दाम पर सवाल पूछ लिया, उसके बाद तो समझिए कि इनकी बोलते ही बंद होने वाली थी, लेकिन किसी तरीके से नेताजी हैं, गोलमोल जवाब तो दे ही देते हैं। अब फिर निगार प्रवीण ने एक अगला ट्वीट किया, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाई भाई करते हुए रिपोर्टर के सामने नतमस्तक हो चुके। स्थानीय पत्रकार खबरें भेजता है जिसे गोदी मीडिया का मालिक चलने नहीं देता। स्टूडियो में बैठा गोदी एंकर एजेंडा चलाकर अपने काम की शुरुआत करता है। अब यह स्थानीय पत्रकार जिस तरीके से हिम्मत दिखाकर सवाल पूछा, इसे अगर नेशनल मीडिया तूल दे तो बताइए कि सत्ता में बैठे उन सत्ताधीशों को जनता के लिए काम करने का प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो तो वो ऐसे सवालों पर, ऐसे खबरों पर जरूर जोर दे सकता है, लेकिन स्थिति कुछ और है। अब जो निगार प्रवीण ने चर्चा इस बात की कि ब्रजेश पाठक साहब जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उनके पास भी इस तरीके के कभी कभी तीखे सवाल आ गए, जहां पर मोहन भागवत से जुड़ा मुद्दा था तो ये बड़े भाई करते नतमस्तक होते हुए निकलते चले गए। यह चर्चा खूब हुई थी कि आखिरकार ब्रजेश पाठक को वहां पर भाई भाई क्यों करना पड़ा और वहां से पतली गली से क्यों निकल गए। आप अपने स्क्रीन पर यह खबर भी देख सकते हैं, जनसत्ता की खबर है कि कैसे यहां पर बड़े भाई करते हुए जाना पड़ा, क्योंकि मोहन भागवत से जुड़ा हुआ सवाल यह था ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई है, इस टिप्पणी पर ब्रजेश पाठक की राय मांगी जा रही थी। वो जान रहे थे कि इस टिप्पणी पर अगर कुछ बोले तो खुद पाठक जी हैं, कहीं फंस ना जाए, इस वजह से वहां बोले कि हम जिस कार्यक्रम में आए हैं हम उसी पर बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, और चलते बने थे। यह चर्चा भी खूब हुई थी। अब जरा गौर कीजिए कि स्थानीय पत्रकारों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स क्या करते हैं, उनका एजेंडा क्या होता है? हिंदू मुसलमान करने का ही सिर्फ एजेंडा होता है। उसमें वो नफरत भरे एपिसोड चलाएंगे, दो तरफ से लोगों को गेस्ट में बैठाते हैं, फिर आपस में लड़वा देते हैं, गाली गलौज थप्पड़बाजी लत्तम जुत्तम की स्थिति न्यूज चैनल में हो जाती है, लेकिन जनता से, जनहित से जुड़े मुद्दे पर ये लोग सवाल करने से भागते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक एजेंडा दिया गया है। दो काम कीजिए, या तो मोदी भजन कीजिए अगर उससे आपको फुर्सत मिल जाए, तो दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि जमकर हिंदू मुसलमान कीजिए। बीते 8-9 सालों में देश भर में गोदी मीडिया चैनल्स ने जमकर हिंदू मुसलमान किया और नफरत की खेती की, जिसका साफ असर अब देखने को मिलता है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कट्टरपंथी हिंदू संगठन खुले तौर पर सामने आते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया चैनल्स को, चैनल्स के एंकर्स को फटकार लगाई है कि अगर बातें नफरती होती जाएं तो उस वक्त यह एंकर की जिम्मेदारी है कि वो नफरत फैलने से रोके, लेकिन ये लोग खुले तौर पर इन सारी चीजों को चलने देते हैं। नतीजा यह होता है कि देश का माहौल बिगड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज आप और समझिए कि जिस तरीके से ब्रजेश
पाठक हूं या फिर भूपेंद्र सिंह चौधरी हूं, ऐसे ही तीखे सवाल या अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से, हेमंत बिस्वा शर्मा से, ऐसे तमाम लोगों से पूछा जाने लगे तो स्थिति क्या होगी। लेकिन विडंबना कि कोई पत्रकार इस पर सवाल करता भी नहीं है और इस वजह से इन लोगों की हिमाकत बढ़ जाती है, अराजकता तानाशाही भी सत्ता में खूब देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।